यहाँ पे अब टोस्ट ये मैसेज शो होना चाहिए था, लेकिन अभी ये शो नहीं हो रहा। यहाँ पे रिफ्रेश करके ट्राई करते हैं तो ये टोस्ट मैसेज शो नहीं होगा। तो उसके लिए बेसिकली हम इसको डायरेक्ट वैलिडेट में कॉल करते हैं। ओके, और इसको टोस्ट कंट्रोलर को मैं एक दफ़ा देख लेता हूँ कि ये क्या इसके लिए, ओ सॉरी, इसके लिए पी, क्योंकि ये जो एंड्रॉयड और आईओएस ऐप होगी उसमें वैसे ही चल जाएगा, और वेब में चलाने के लिए ये ज़रूरी होता है। और ये अब मुझे पता नहीं कि ये चलेगा कि नहीं चलेगा, क्योंकि ये आयोनिक रिलेटेड है। देखते हैं, नहीं चलेगा तो इसको क्लोज कर देंगे। यहाँ पे इसको इंस्टॉल करते हैं और इसको बेसिकली कॉल करते हैं यहाँ पर। दैट्स इट। ओके, ठीक है, स्टार्ट, रिफ्रेश, सेव, और ये ले। तो वो बेसिकली उस एलिमेंट्स की वजह से नहीं था हो रहा, और अब ये दो दफ़ा शो हुआ है तो इस वजह से रिफ्रेश, एक दफ़ा शो होगा तो सही नज़र आएगा। और इसी के साथ आप इसकी ड्यूरेशन, ETC सारा कुछ कंट्रोल कर सकते हैं। तो वो भी एटलीस्ट पैरामीटर ऐड कर देते हैं, ड्यूरेशन जो कि नंबर होगी और 5 सेकेंड में डिफॉल्ट ड्यूरेशन क्या है, और इसको कुछ और चाहिए। अच्छा, शॉर्ट लॉन्ग, ओके। ओके, यहाँ पे फिर इसका enum बना लेते हैं। और इसको मैं फिर बैकएंड API कह रहा हूँ, बैकएंड API। और यहाँ पर टाइप्स में भी बैकएंड API, दैट्स इट। उसके बाद इनम में कैपेसिटर, APIs, index.ts, एक्सपोर्ट इनम, और इसमें क्या चाहिए मुझे, टोस्ट ड्यूरेशन इनम लॉन्ग जो के लॉन्ग के इक्वल है, शॉर्ट जो कि इसके इक्वल है। और लॉन्ग, दैट्स इट। और उसके अलावा इसकी पोजीशन जो कि इन्होंने ये रखी हुई है, तो यहाँ पर इसकी पोजीशन का भी एक बना लेते हैं। पोजीशन इनम टॉप बॉटम सेंटर, यही तीन है आई थिंक। यहाँ पे एंड पे पोजीशन बॉटम और इसकी ज़रूरत नहीं है, ऑटो कंप्लीट हो जाएगा। ओके, ये हो गया, दैट्स इट। ठीक है, अभी के लिए बस इतना ही। इसको रिफ्रेश करके देख लेते हैं। यहाँ पर अगर लेट से 5 तक अभी हुआ, 6 करते हैं और लॉगिन करते हैं, कंप्लीटेड सक्सेसफुली, और ये सारा काम चलेगा। नेक्स्ट यार वो आ जाएगा। ये थी आज की वीडियो। होपफुली आपको आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, मैं उसका जवाब दूंगा। आज की वीडियो में हमने अपनी न्यूज़पेपर ऐप में फ्रंट एंड में रजिस्टर की API को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट किया है। उसमें एरर हैंडलिंग हो रही है, उसमें API से जो एरर आ रहे हैं वो प्रॉपरली हम शो करवा रहे हैं, और भी जो बाकी हमारा जो काम है वो पूरी तरह सही तरह काम कर रहा है, जो कि एक अच्छी बात है। और अभी के लिए खैर इतना ही।
वीडियो के रिलेटेड कोई भी सजेशन हो तो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में मेंशन करें, उसको भी कंसिडर किया जाएगा। वीडियो को अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ, कॉन्टैक्ट लिस्ट में, सोशल मीडिया पर ज़रूर शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे फ़ायदा हासिल कर सकें। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लॉगिन की API को इम्प्लीमेंट करेंगे और उसके बाद हम गेट यूज़र डाटा की API और सेट यूज़र डाटा की API को इम्प्लीमेंट करेंगे। आने वाली वीडियोस बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाली हैं और ये सीरीज हम बहुत ही जल्द कंप्लीट भी कर लेंगे, तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Don't forget to like this video and also subscribe to my channel.